सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुनपर 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत से कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मदान ने हवन यज्ञ कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोगों ने यज्ञ में आहुति डाली। इसके बाद निखिल मदान ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन भरा। निखिल मदान पिछले एक साल से चुनावी तैयारी में लगे हुए थे और शहर के हर क्षेत्र में जाकर लोगों के सुख दुख में शामिल हुए थे। यही पहचान उनकी टिकट का आधार बनी। इस मौके पर निखिल मदान ने कहा कि ये चुनाव सोनीपत के विकास का चुनाव होगा। पिछली सरकारों में बहुत से भ्रष्टाचार हुए। अगर मुझे सोनीपत की जनता आशीर्वाद देती है, मुझे मेयर पद मिलता है, तो निगम में हुए सभी भ्रष्टाचारों की जांच भी करवाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमन करता हूं और ये हमारे सोनीपत नगर निगम विकास का चुनाव, हमारे शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य मुद्दे हैं, सीवर का हो, पानी का हो, सड़क का हो, पिछली सरकार ने और जो मौजूदा सरकार है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करे। मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 200 करोड़ रुपए उसमें खराब किए और आज कोई भी कैमरा चालू नहीं है। रोज हादसे होते हैं सड़कों पे, सड़कें सही नहीं है। ये हमारे विकास के मुद्दे रहेंगे। झूठे इन्होंने झूठ बोलकर खजूर के पेड़ लगाए, उसमें चोरी हुई, साथ साथ जितने भी आवारा पशु पकड़ने के पैसे आते हैं इन्होंने उसको भी खाने का काम किया। ये हमारे विकास के मुद्दे जितने भी हैं हम इस पे चुनाव लड़ेंगे।